नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन पिंडा। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। आज बहुत ही अच्छी खबर लेकर आए हूं आपके लिए कि जो दैनिक कोरोना के मामले हैं देश में वो कहीं ना कहीं लगातार कम हो रहे हैं। जी हां, इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन किन राज्यों में लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है और लॉकडाउन में क्या क्या शुरू है और क्या क्या बंद हो गया है, क्या नियम है नए लॉकडाउन के, और कौन से राज्य जो हैं वो सख्त कानून लेकर आए हैं लॉकडाउन को लेकर, और कौन कौन से राज्य जो हैं वो 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो चालू कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दैनिक मामलों की। तो पिछले 24 घंटे में 196,427 कोरोना के नए मामले दर्ज हुए हैं, वहीं 3500 के आसपास लोगों की मौत हुई है। मौतों में भी गिरावट देखने को मिली है और दैनिक मामलों में पहली बार 2 लाख से कम जो आंकड़े हैं वो निकल कर आए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खबर कह सकते हैं हम कि दिन भर में जो लगातार दैनिक मामले देश में कम हो रहे हैं कोरोना के, ये बहुत ही अच्छी खबर है। जहां 4 लाख से ज्यादा मामले आते थे वो अब 2 लाख से कम आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें एक्टिव केसेस की, तो एक्टिव केसेस भी देश में बहुत ही कम हो चुके हैं, ये 25 लाख के आसपास आंकड़ा पहुंच चुका है और तेजी से नीचे जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से राज्य जो है वो उन्होंने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है आगे और कौन कौन से राज्यों में क्या क्या लॉकडाउन के नए नियम है, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले कई दिनों से लॉकडाउन व अन्य पाबंदियां लगातार लागू हैं। इसी का असर है कि देश में अब कोविड-19 संक्रमण के लिए नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन इसके बाद भी तमाम राज्यों ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है क्योंकि इसका असर राज्यों पर जरूर पड़ा है। जानिए किन राज्यों में है लॉकडाउन और कहां कितनी छूट दी जा रही है। बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ने सोमवार को राज्य में लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान किया। वहीं कई राज्यों में कोरोना को लेकर सख्त पाबंदियां मई के अंत तक और जून के पहले सप्ताह तक जारी रहेंगी। वहीं एमपी और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक करने के भी संकेत दिए हैं। बिहार में सोमवार को लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब राज्य में 1 जून तक पाबंदियां लागू रहेंगी। हालांकि एक बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने खाद बीज की दुकानों को खोले जाने की अनुमति दे दी है। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद राज्य में लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। फिलहाल लॉकडाउन नियमों में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। उत्तराखंड में सोमवार को राज्य सरकार ने 25 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। अब राज्य में 1 जून तक कोरोना से जुड़ी पाबंदियां जारी रहेंगी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 31 मई तक लॉकडाउन से जुड़े नियम व पाबंदियां लागू रहेंगी। इस दौरान दिल्ली मेट्रो नहीं चलेंगी, राजधानी में सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट है। हालांकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर कोरोना के केस लगातार कम होते रहे तो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राज्य को 1 जून से धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने के संकेत दिए हैं। फिलहाल प्रदेश में 31 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। वहीं छत्तीसगढ़ में भी ये पाबंदियां 31 मई तक जारी रहेंगी। कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू जैसे तमाम पाबंदियों को 1 जून तक लागू रहेंगी। राज्य में एंट्री के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। पंजाब और हरियाणा में 31 मई तक कोविड-19 महामारी से जुड़ी पाबंदियां लागू रहेंगी। हरियाणा में दुकानदारों को ऑड इवन फॉर्मूले के अनुसार दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, जिसके तहत वे अब सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच अपनी दुकानें खोल सकेंगे। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने लॉकडाउन को 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य में इस दौरान दूध, डेयरी और फल सब्जियों की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी मई के आखिरी तक लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू जैसी सारी पाबंदियां लागू रहेंगी। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल डीएनपी इंडिया, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। धन्यवाद।